लेट्स स्टार्ट हमारे कुछ टास्क होंगे ये आप नोटबुक पे लिख लें रीजन क्या है आपको ये सारे टास्क टिक करने हैं कि मैंने ये कर लिया मैंने ये कर लिया मैंने ये कर लिया और आपने बकायदा उसके स्क्रीनशॉट बना के या तस्वीरें लेके डिस्कॉर्ड के चैनल के अंदर डालनी है जो रजिस्टर्ड हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने यूट्यूब के कमेंट्स में लिख सकते हैं मैं आपको बात बताऊं क्या है ये ह्यूमन साइकी है एक चीज जब आप सोचते हैं वो आधी हुई होती है जब आप लिख लेते हैं ना वो तीन न, तीन गुना हो जाती है सेवेंटी परसेंट हो जाती है तीन गुना नहीं परसेंट हो जाती है करने से पहले सोच के स्कैजल करने का जो मरहला है वो नाइनटी परसेंट तक चीजों को कर देता है कंप्लीट दस परसेंट होता है जो आपने परफॉर्मेंस देनी होती है तो इस वजह से लिख लें पहला टास्क है आपका पाइथॉन पाइथन हमने इंस्टॉल करनी है लेटेस्ट वर्जन वर्जन जो इस वक्त मौजूद है विंडोज पे मैं आपको दिखाऊंगा

हमने इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के अंदर गिट क्या है ये गिट हब से आपके पास डिफरेंट चीजों को आ, ले जाने और आने का मरहला है मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें एंड ये चीजें आप लिख ली आपने चार ये चार बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंस्टॉल करने ऑबियसली जब लाइब्रेरीज की बात आई किस्टॉल दो लाइब्रेरीज ठीक है मैंने यहाँ पे मिनी कोंडा लिखा है अब एक क्वेश्चन बहुत आता है मैंने एना कोंडा किया है वो ही रखू या डिलीट कर दू भाई डिलीट फॉर डिलीट मैं बड़ा ब्लंट होकर आपको बता रहा हूँ कि डिलीट रीजन क्या है वो यार जितनी मेमोरी खादा है ना आपका सिस्टम बां करने लग जाएगा बां का मतलब पता है रोने लग जाते हैं सिस्टम ओके अगला टास्क आपने गिटहब पे अपनी आईडी बनानी है गिटहब स्टूडेंट और टीचर डेवलपर पैक पे अप्लाई करना है इफ़ यू डोंट हैव योर यूनिवर्सिटी ईमेल प्लीज गो एंड अप्लाई फॉर दैट

तो करो सिर्फ डेटा साइंस से रिलेटेड चीजें कोई इधर उधर की बात नहीं शेयर करनी किसी ने मैं आपको ताकीद करता हूँ और वो शादी कार्ड पर नहीं लिखा होता ताकिद मजीद मैं मजीद ताकीद करता हूँ कि यार ना कीजिएगा इधर उधर की पोस्टें सिर्फ और सिर्फ डेटा क्योंकि लगा था मैं रुक गया फीमेल्स भी है हमारे पास यहाँ पे मुंडे गुंडे बैठे होंगे तो लफ्स ये है कि आपने वहां पर कोई गलत बातें नहीं लिखनी है, you know I mean? यार चलो बोल दे तुम पंजाबी का लफ्ज है चवल नहीं मारनी कोई ट्विटर के ऊपर लिंक के ऊपर आपने सिर्फ डेटा साइंस ए से रिलेटेड पोस्टें करनी है पोई डॉट कॉम फ्री में चैट जीपीटी के सारे यूज कर सकते हैं पोई डॉट कॉम पे जाके और वहां पे आपने अकाउंट बनाना चैट जीपीटी महंगा है फ्री में भी यूज कर सकते हैं बट बाईस तेईस डॉलर का है बट ऑन अदर साइड अगर आप शेयर अकाउंट लेते हैं तो आपको कोई दो हजार रुपया पर मंथ पड़ना है बट आई डोंट से कि आप वो वाला लें तो आप पोई डॉट कॉम पे जाए लेमा टू के मॉडल में आपको दिखा दूंगा देन देयर यू कैन यूज दिस प्रॉमटिंग अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने गूगल पे अपना अकाउंट बनाने है, अपने नाम से जी का आपका होगा ही उसी को यूट्यूब पे यूज करना है रीजन क्या है क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होंगे जो आपने नीचे यूट्यूब पे जाके कमेंट्स करने होंगे डिफरेंट चीजों पे ये मेरे लिए नहीं है बिलीव मी ये आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए क्योंकि देर आर मेनी पीपल जो यूट्यूब पे आके पढ़ाते हैं बट दे आर लाइक बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री खास तौर पर टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी जो लोग पढ़ाते हैं दे आर लुकिंग फॉर न्यू पीपल जिनमें टीचिंग का पैशन है पाइटोर्च वाले मैटा वाले सो वी आर गोइंग टू यूज दो करें इंस्टॉल जी लेट्स मैंने you know, पता है लो ये लेट स्टार्ट मैं अभी यहां पर अपनी स्क्रीन दूसरे आपके साथ शेयर करूंगा एंड देन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ऑल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर रेडी हैं जी गूगल सभी ने ऑन कर लिया अपना आम में से कितने लोग प्योर देसी हैं मतलब मेरे जैसे देसी नहीं देसी चलिए मैं एक बात करता हूं एक होती है गूगल एक होती है गूगल ज्वेंट किस-किस को पता है गूगल ज्वेंट का नहीं पता <laughs> जिसको पता है वो प्योर देसी है बाय द वे दिस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ एग्जांपल लेट्स स्टार्ट ओके लो ली हमने मिलके यहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं सबसे पहले हम जाते हैं मैंने ये यह यहां पे गूगल खोल लें और गूगल के ऊपर सारा कुछ करना है मैं यहां पे गूगल पे जाता हूं यहां पे मैंने लिखना है पाइथॉन देखिए मैं आपको वन बाय वन लिख के दिखा रहा हूं पाइथॉन लिखा आपने डायरेक्टली डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं कर दिया ये डाउनलोड ये आ गया आपका विंडोज के लिए अदरवाइज ये बाहर ही आ गया तो तीन इशारिया ग्यारह इशारिया चार जिसको अगर हम इंग्लिश में बर्गर की तरह पढ़े तो दिस इज थ्री पॉइंट नहीं थ्री पॉइंट कहते होते फोर. तो ये हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है अगर आप मैक यूजर हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहां पे मैक का आ जाएगा ठीक है तो आपने इस पे क्लिक करना है डाउनलोड कर लिया पाइथॉन ये आपके पास पाइथॉन जो है वो डाउनलोड हो गया और गूगल क्रोम वालों ने ना नया बटन दे दिया यहां पे करके पहले पहले तो मुझे भी नहीं समझ आई थी ये क्या हो रहा है तो ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर पाइथॉन चला गया आपका अब मैं जाता हूं डाउनलोड के अंदर ये बाकी चीजें मैं डिलीट कर देता हूं बल्कि डिलीट क्यों करनी है ओके okay, ये मेरे पास पाइथन आ गया मैं इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा कर लिया देन आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ लेकिन उससे पहले मैंने करना है एड पाइथन डॉट ई एक्सू पाथ यह जरूर करना है आपने ठीक है एड पाइथन टू पाथ इस पर क्लिक जरूर करना है अगर नहीं करेंगे तो पाइथन नहीं चलना मैं अगेन कहता हूं डबल क्लिक करके ऑन करके यहां पे आपने क्लिक करना है इंस्टॉल पे क्लिक करें तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं जरा अपनी विंडोज जो है उसकी डिस्प्ले सेटिंग में जाके इसका जूम अप कर लू थोड़ा सा अगर ये मुझे इजाजत दे नहीं दे रहा नाराज हो गया डिस्प्ले सेटिंग्स गौँण, गौँण। गौँण। तो यहां पे मेरे पास जो पाइथन इंस्टॉल हो गया मैं यहां पे इसको क्लोज कर दूंगा ठीक है इसको बाद में देखते हैं मेरे पास पाइथन हो गया इंस्टॉल पहली चीज अब मैंने क्या करना है पाइथन को चेक करना है कि कहां पे है मैं यहां पे लिखता हूं पाइथन तो ये मेरे पास आ गया पाइथन 3.11 राइट मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें ये पाइथन मैं एक टर्मिनल के अंदर चला आ रहा हूं ठीक है अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ तो डाउनलोड कर लें और इसे साथ साथ इंस्टॉल करते जाएं यहां पे मैं लिखता हूं थ्री प्लस फोर तो ये सेवन आ गया इसका मतलब पाइथन चल रहा है अब आप खुद सोचें कि यहां पे पाइथन अगर मैं चलाता हूं तो मैं पूरा प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा ये तो टर्मिनल सा आ रहा है एक एक दो दो लाइनें लिखता जाऊंगा और उसके रिजल्ट आते जाएंगे उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं यहां पर भी पाइथन अगर आप लिखते हैं तो आप यहां से भी पाइथन चला सकते हैं सिर्फ पाइथन लिख के ठीक है मैंने पाइथन लिखा और ये यहां पे आ गया एग्जिट करेंगे तो ये वहां से बाहर आ जाएंगे अब आपने कौन सा पाइथन का वर्जन इंस्टॉल किया है जब आप पाइथन लिखते हैं तो यहां पे आपके पास वर्जन आ जाएगा पाइथन 3.11.4 ठीक है तो ये मेरे पास पाइथन का वर्जन आ गया अदरवाइज आई कैन राइट पाइथन स्पेस माइनस माइनस वर्जन तो मेरे पास पाइथन का वर्जन यहां से आ जाएगा इसका मतलब भला क्या है मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा थ्री देखने का मतलब ये है कि नाउ आई नो कि मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है अगर ये वर्जन नहीं आ रहा तो इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल नहीं है सो द मस्ट थिंग इज वट यू नीड टू डू राइट क्लिक और एड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है पहली चीज दूसरी चीज कमांड प्रॉम्प्ट को भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें ठीक है ओके okay हो गया ओके okay जी पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो गया अगला सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हमने इंस्टॉल करना है दैट इज वी एस कोड वी एस कोड ये यहां पे मैं लिखता हूं मैं ये रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा डोंट वरी अगर अभी आपके पास स्पीड कम आ रही है तो मुझे देखते जाएं और ये फिर सॉफ्टवेयर खुद से आप इसी लेक्चर के फौरन बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करना है और यहां पे आपके पास वर्जन आ जाना है विजुअल स्टूडियो कोड का जो बेस्ट है आपके लिए ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज अगर विंडोज नहीं है मैक है तो मैक वाला कर लें अगर आपने कुछ और करना है तो कुछ और वाला भी कर सकते हैं या तो मैं यहां पे ठीक यह है ये देखें राइट जी आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं वरना डाउनलोड में भी जा सकते हैं ये देखें बी कोड मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूं एंड इट विल

ठीक हो गया जी इधर तक तो कोई मसला नहीं है ना आपको इजी पीजी सब कुछ ओके अब यहां पे यह कहेगा लॉन्च बी एस कोड लेकिन मैं अभी नहीं लॉन्च करने वाला मैं इसको फिनिश करता हूं अब चलते हैं तीसरे सॉफ्टवेयर पे विच इज रियली नेसेसरी द नेम इज मिनी कोंडा मिनीकोंडा आप मिनीकोंडा की इंस्टॉलेशन पे जाएं ये पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां पे इसके इंस्टॉलेटर इंस्टॉलर के लिंक्स पड़े हुए हैं ये चेक करें विंडोज मैको एस एंड लिनिक्स आपके पास विंडो या तो थर्टी टू बिट होगी या सिक्सटी फोर मेरे पास सिक्सटी फोर है मैं इस वजह से सिक्सटी फोर पे क्लिक करता हूं आपके पास अगर थर्टी टू बिट विंडो है आज ही विंडो बदल लें और 64 कर लें यह कहां से पता चलता है कि आपके पास विंडो कौन सी है आप सिंपली सर्च बार में सिस्टम इंफॉर्मेशन इधर गया ये रही। x64 सिस्टम टाइप तो मेरे पास एक्स सिक्सटी फोर बाई वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं, so don't worry about that कि अगर आपका सिस्टम यहां पे डिफरेंट शो करता है तो आपके पास सिक्सटी फोर होनी चाहिए विंडो 32 नहीं और दूसरी बात विंडो सेवन ना कोई चलाए फिर अभी इस वक्त अक्सर स्टूडेंट अभी तक विंडो सेवन चला रहे हैं या तो विन नो बल्कि होनी चाहिए इलेवन भी अक्सर मसले करती है अगर अगर है इट्स इट्स फाइन बट बेटर कि आप कर लें अब इस पे क्लिक करें बिट इसको भी डाउनलोड कर लिया मैंने अब मैं डाउनलोड में जाता हूँ ये मेरे पास मिनी कोंडा पड़ा है मैं इसको भी राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं नेक्स्ट करता हूं एग्री करता हूं नेक्स्ट करता हूं नेक्स्ट करता हूं अब यहां पे जो भी कुछ मेरे पास आ रहा है इसको ऐसे ही मैंने इंस्टॉल कर देना ये हो गया हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर ठीक है एंड समटाइम्स थोड़ा सा वक्त लेती हैं ये चीजें ठीक है सो so परेशान नहीं होना मेरे पास इंटरनेट की स्पीड बहुत हैवी है अगर मैं दिखाऊं तो नजर ना लगाया कोई भी स्पीड टेस्ट आपको करके दिखा देता हूं यहां पे देखिएगा ऊकला एक मशहूर वेबसाइट है वहीं से कर लेते हैं चेक कीजिएगा तकरीबन डेढ़ जी है पर सेकेंड पाकिस्तान में 100 एम होती है या दस बारह एम ये डेढ़ जी है तो अगर क्लिक पे डाउनलोड हो रहा है सो तो डोंट वरी अबाउट दैट और अगर आप ये सीखना चाहते हैं डोंट वरी मैं आपको इसी एक कोर्स के अंदर एक आधा लेक्चर दे दूंगा क्लाउड कंप्यूटर का तो आप वहां से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी बाय द वे मैंने मिनी कोंडा भी इंस्टॉल कर लिया है एंड हूं और इनको मैं चेक करता हूं फिनिश कर देता हूं मैंने तीन सॉफ्टवेयर कर लिए अगला सॉफ्टवेयर हमारा है गिट गिट पे क्लिक करता हूं गिट पे जाता हूं गिट फॉर विंडोज हमारे पास होगा यहां पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर देता हूं और ये मेरे पास क्लिक टू डाउनलोड बत्तीस बिट चौसठ बिट मेरे पास है चौसठ मैं इस पर क्लिक करता हूं तो स्टैंड लॉन इंस्टॉलर मैंने डाउनलोड कर लिया अब इस पे जाके राइट right क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि वह गलती के चांसेस ना रहे और गिट को इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली ठीक है विम नहीं हमने करना बल्कि आप ऐसे ही जाने इसे इंस्टॉल करें देन आफ्टर दैट वी विल सी नेक्स्ट 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 इंस्टॉल मैंने कोई चेंज नहीं की नेक्स्ट 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 किया ठीक है तो मैंने इस वजह से नहीं की ताकि आप परेशान ना हो कि कहां पे चेंज कर गया ये बंदा आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग ओके okay जी आप लोगों ने ये चार, चारों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए होंगे होपफुली नहीं किए तो कम से कम डाउनलोड कर लें फिर नहीं किए तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी ये लेक्चर मिल जाएगा यू कैन डाउनलोड दीज थिंग्स ठीक है जी ये हमारे पास गिट भी आ गया लॉज ना चार सॉफ्टवेयर रेडी हो गए ये चार सॉफ्टवेयर हमने कर लिए ठीक है जिसमें सबसे पहले था पाइथॉन मैं यहां पे आपको दोबारा से लिख के दिखा देता हूं पहले था जो हमारे पास पाइथन विच इज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली फ्री विजुअल स्टूडियो कोड टोटली फ्री कोई पैसा नहीं देना मिनी कोंडा टोटली फ्री है गिट मैंने यहां से डाउनलोड किया वो भी टोटली फ्री है ठीक है अगला काम आपने क्या करना है आपने GitHub की वेबसाइट पे जाना मतलब ये यहां पे लिखना है GitHub ये क्या चीज है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में आपने यहां से इस पे क्लिक करना है और साइन अप कर लेना अपने ईमेल से इसकी आईडी बना लेनी पहला वेबसाइट का टास्क विच इज नेसेसरी ठीक है गिटहब की आईडी बनाने के बाद आप गूगल पे जाएंगे दोबारा से जब आईडी आपकी बन गई आप लिखेंगे गिट एजुकेशन डिवेलपर पैक यानी स्टूडेंट डिवेलपर पैक अगर आप स्टूडेंट आप लिखेंगे गिट अपल पैक तो आपके पास ये पहला लिंक आ जाएगा अब आपकी आईडी बनी हुई है आपने इस पे अप्लाई करना है साइन इन करके यहां पे आपने क्लिक करना है तो ये एप्लीकेशन आपकी फिल करने का आपको जरिया मांगेगी उससे क्या होगा ये जितने भी सॉफ्टवेयर नीचे आ रहे हैं ना ये सारे के सारे आपको फ्री में मिलने वाले हैं इसमें किसी दौर में कैनवा भी हुआ करता था चलो बाकी छोड़ो ये एक नया आ गया यहाँ पे डेटा डॉक के नाम से एसक्यूएल लाइट गेट के नाम से गिटअप को स्पेसिस के नाम से डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का पूरा पैकेज टोटली फ्री मिलने वाला है देर आर मेनी टूल्स यार आप आपकी सोच दंग रह जाएगी एजुकेटिव के सारे के सारे ट्यूटोरियल वर्चुअल इवेंट किट नेम चीप की डोमेन स्ट्रीम यार्ड जिससे लोग फ्री में लाइव स्ट्रीम जाते हैं वो फ्री नेम डॉट कॉम की एक फ्री एजोर का क्लाउड कंप्यूटर फ्री।, फ्री फिर बाद में गिटअप पेजेस देर आर मेनी थिंग्स वेबसाइट बनाने के लिए डिजिटल ऑप्शन मतलब यहाँ पे अगर मैं बताने बैठे ना ये सारे सॉफ्टवेयर को बारी बारी तो इन सभी को अगर आप परचेज करें तो आपको कम से कम साठ हजार डॉलर पे करना पड़ता है ऑब्वियसली कोई नहीं करता सारे के सारे पैसे पे बट दीज आर ऑल थिंग्स विच आर फ्री फॉर यू तो अगर आपकी स्टूडेंट आईडी आपके पास है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान मुझे सेंड की थी उस आईडी को आपको अपलोड भी करना पड़ेगा यहाँ पे वेन यू साइन अप फॉर दिस वो लोग जो टीचर्स हैं जिनके पास स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट है या कोई ऐसी आईडी है जहां पे वो शो करते हैं कि वो टीचर है यू कैन गो फॉर टीचर डेवलपर पैक। जैसे मैंने स्टूडेंट डेवलपर पैक लिखा था आप एजुकेशन डॉट गिट डॉट स्लैश टीचर लिखेंगे तो आप इस पे भी जा सकते ठीक है ये तो हो गया गिटब का अगला स्टेप है आपने कैगल डॉट कॉम पे जाना है कैगल डॉट कॉम के ए डबल जी एल ई ये लिखेंगे इस पे अपनी आई डी बनानी है ठीक है टोटली फ्री है साइन अप करना है वैसे ही जैसे आप फेसबुक ट्विटर बाकी चीजों पे पे करते हैं देन यू हैव टू मेक आई डी ऑन ट्विटर जिसको एक्स बोला जाता है आज के दौर में अगर आपको नहीं पता तो ए आई की न्यूज जरूर देखिएगा पिछले वीक जो मैंने आपको बताई है तो उसके अंदर आपको समझ आएगी इस पे अपनी आईडी बनानी है फिर अगली चीज लिंक इन पे अपनी आईडी बनाए अगर ये चीजें पहले से मौजूद हैं प्लीज रिन्यू दैम इन अ वे कोई भी ऐसी हैंकी फेंकी ना वहां पर आपने की हो जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल को नुकसान हो फिर पोई डॉट कॉम पीओ कॉम इस वेबसाइट पर जाके आप आप अपने को साइन अप करें सारे के सारे मॉडल्स जो हैं टोटली फ्री में आपको मिलेंगे और इसकी मोबाइल मोबाइल ऐप आप भी आपने इंस्टॉल कर लेनी अपने में ताकि एक अक्सर औकात आपके पास अगर कोई गलती आती है तो आप यहीं से सुधार सके उसे पोई डॉट कॉम की ऐप भी है टोटली फ्री यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर मॉडल्स ठीक है समझ आ गई बात की अगली चीज तो तुम गए ही हो नहीं समझे तो समझे नहीं समझ अच्छा आपने YouTube या Google का नया अकाउंट बनाना है जिसमें आपका नाम विजुअल हो अक्सर हो होता है प्रिंसिस हैरी समझ रहे हैं ना प्रिंसिस और साथ में हैरी मतलब तो पता ही नहीं लग रहा होता कौन है कहाँ पे है क्या है सो so, प्लीज अपना एक अपने नाम से आईडी बनाएं ताकि जब आप कमेंट कर रहे हो सो so, हम उसको प्रेफर करें कि यार इस बंदे को टाइम पे आंसर देना बिकॉज नेक्स्ट आने वाली पांच दिन के बाद वीडियो प्राइवेट होंगी अनलिस्टेड होंगे उनके लिंक सिर्फ आपके पास होंगे और आपके कमेंट हम आपको रिप्लाई करना जरूरी समझेंगे अगर आप किसी ऐसे वैसे लिंक से क्वेश्चन करेंगे so आपका नाम होना वहां पे जरूरी है ठीक है ये कुछ सॉफ्टवेयर थे वो लोग जिनके पास पी ही नहीं है बेहतर यह है कि अपने चालीस दिन किसी और चीज पे लें रीजन क्या है पीसी 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 पे पे ऑनलाइन होना जरूरी है और पे आना जरूरी और आना है, है? ठीक का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। अक्सर क्या हम गूगल को लैब नहीं यूज कर सकते नहीं संजय दत्त वाला नहीं नहीं कर सकते यूज तो आपने गूगल को लैब नहीं यूज करना आपने खुद से इंस्टॉल करके हमारे साथ साथ काम करना है तो मैं इसको यहां से बंद करने वाला हूं ये सारी चीजें पाइथन वीएस कोड मिनिकोंडा गिट गिटअप की आई डी गिटब एजुकेशन पैक टीचर पैक कैगल ट्विटर का अकाउंट ये सारी चीजें आप बना लें इस कोर्स के लिए आपको हेल्पफुल होंगी और आने वाले हमारे जितने भी कोर्सेज उनके लिए हेल्पफुल होंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अगर आप ना टीचर है ना स्टूडेंट है परेशानी ना लें कोई मसला नहीं है एक दौर था आप स्टूडेंट थे या आप एक और काम कर सकते हैं किसी कजन से मिन्नत समाजत कर लें जो पढ़ रहा है या पढ़ रही है कि अपना आईडी कार्ड से हमें आईडी बना दे ठीक है सो so, अक्सर अकात वो मान जाते होते हैं। नहीं माने तो एक आधी चाय पे उन्हें मनवा लीजिएगा सो दीज आर ऑल थिंग्स यू नीड टू इंस्टॉल कल तक ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लीजिएगा ये मैं वीडियो का लिंक आपको भेज दिया हुआ है पहले आप इसमें वीडियो में लास्ट में जाके सारी चीजें देख सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा इट्स अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपकी तरफ से हमें मिलता है आप खुद अंदाजा लगाएं कि आज का लेक्चर अगर आप देखें तो अच्छा खासा बड़ा हो गया आपका सब्सक्राइब करना लाइक करना बनता है मैं पहले नहीं कहता था लेकिन अभी मैं जरूर इस चीज को अप्रिशिएट करना पसंद करूंगा यार देखें चीजें एक साइड पे आपको क्या लगता है कि सात हजार या बारह हजार से इतना कुछ सीखा जा सकता है अगर यहाँ पे सिखाया जा रहा है इसके पीछे रीजन वो फी नहीं है बिलीव में फी के अलावा इतना कुछ हम टोटली फ्री में डाला हुआ है तकरीबन सात के करीब वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं अगर एक बंदा इतना कुछ कर सकता है जस्ट इमेजिन आपकी एक लाइक या सब्सक्राइब कितनी चेंज ला सकता है